कोलरामपुर कसिटी घाट का जो टनल है उसका जो एंट्रेंस है वो अगर नहीं जाता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन जाते वक्त जरूर जाएंगे, कुछ भी करके लेकिन जाएंगे, ऐसा मेरा प्लान है। करण रेडी और मैं भी रेडी, तो फाइनली एक डेढ़ साल के बाद नया मिशन है। जो मिशन हमारा डेढ़ साल पहले रह चुका था, बोले थे कि जो साउथ राइड किया था बड़ा वाला, उसके बाद एक छोटा राइड करेंगे साथ में चिल करने के लिए, तो डेढ़ साल तक उसका मुहूर्त नहीं निकला था, तो फाइनली आज निकला है और निकल रहे हैं अभी राइड पे। तो एक छोटी सी राइड है, दो तीन दिन की, तीन दिन की रहेगी, तो 6 बजे निकलना था लेकिन 7 बजे यहाँ पे, क्योंकि ये सब ताम झाम करना था। सो फाइनली यहाँ से अभी निकल रहे, सब सेट हो गया और बस अभी जैकेट पहन रहा हूँ और निकल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। सो इधर से एक फ़ोटो ले लिया दोनों बाइक का सामने, यहाँ से अभी निकल रहे। तो ठीक है, 7:30 बज चुके यहाँ पे, तो आगे जाके समीर के इधर जाके नारल फोड़ने का, तो चलते हैं यहाँ से अभी। बाय बाय। कहाँ क्या कर, चलो हाँ हाँ ठीक है, बाय ओके। तो सी ऑफ भी करके हो गया, निकल रहे हम अभी हमारे घर से, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो हम बाद में आपको जब समीर मिलेगा तब बताते हैं। ओ माय गॉड, बारिश की बूंदे गिर रही है, बारिश की बूंदे, और वो भी मार्च के महीने में, आज मार्च का फर्स्ट डे और बारिश। तो एक अलग ही वाइब आ रही है, दोनों बाइक साथ में और 4 लोग साथ में जो साउथ इंडिया राइड पे थे, समीर में, करण और गोरख, तो ये 4 लोगों की अलग ही वाइब होती है। दो बाइक साथ में, एक और बार गए थे तामिनी घाट के, लेकिन इसके साथ गोरख के साथ एक अलग पर्सन था, समीर नहीं था, तो आज समीर है और ये हमारा 4 लोग का ग्रुप। सो फार सो गुड, बस बारिश ज़्यादा दिक्कत ना दे, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदे गिर रही है, कैमरा पे भी आ गई होगी। सो फाइनली वाशीनाके तक आ गए और आते आते बारिश ने वाट लगा दी, गोप्रो माउंट किया था वो निकालना पड़ा बीच में, अभी वाशीनाके पे पहुंच चुके और यहाँ पे मिल गए अपना दलिंदर गाय। तो फाइनली 1.5 साल बाद ये राइड पे आ गया साथ में, तो एक बार इसकी शक्ल देख लो, ये आदमी 1.5 साल पहले पूरा गोरा हो गया, ये आदमी 1.5 साल पहले कुंभ के मेले में गुम हो गया था, जो अभी मिला है 1.5 साल हो गया भाई, साउथ इंडिया राइड। तो उसके बाद हमने गोरख और मैंने तामिनी घाट किया था, लेकिन तो उसके बाद आज फिर से 1.5 साल बाद चारों जन एक साथ, और एक बढ़िया सी राइड होगी, एक चिल राइड होगी रिलैक्सेशन के लिए, और बढ़िया सही मौसम हुआ है, थोड़ा बारिश दिक्कत ना दे, इतना ही बस चाहिए, क्योंकि बारिश ने अगर दिक्कत दे दी, लेकिन लगता है कि बारिश बस अभी सुबह सुबह ही रहेगी, क्योंकि दोपहर को कड़क ऊन पड़ेगा, फिर ऊन भी हमको चटके देगा। तो बस यहाँ पे समीर का बैग है, पैक करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि 8 बजने को आए और 6 बजे यहाँ से निकलना था, लेकिन 8 बजने को आए। अबे इधर आ गए तो वर्कर आ गए ना, और तरी आ वाला काय विचारते आहे आवाज आला की घरातून निघायचं का पेट्रोल पंप बघत आहे इला जमून गेलो बोला आला पूर्ण नाही होते। ठीक है, एक अलग ही लेवल का अभी आज एनर्जी आ रहा है, क्योंकि चारों जन साथ है, और मतलब क्या बताऊं आपको, क्या फीलिंग आ रहा है, बस अभी बारिश दिक्कत ना दे इतना, ये देखिए कितना गीला हो गया सब। तो ठीक है, सब सेट है और समीर का भी बैग बांधते और निकलते यहाँ से, देखेंगे अभी बारिश के ऊपर है सब हमारा प्लान है, अगर बारिश रहेगा तो डायरेक्टली गणपतिपुले जाएंगे, और बारिश नहीं रहेगा तो घूमते घुमाते दापुली करके हम वहाँ से आगे जाएंगे, और कोस्टर रोड है, मतलब मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा। मज़े के लिए राइड प्लान की है, आराम से आएंगे चिल मारने का है, तो बहुत सारा मज़ा आएगा, तो देखते रहिए लास्ट तक, और
इस व्लॉग का मजा लीजिए, अभी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो वो वहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी थोड़ी लाइनअप करके यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पे तो हमारी रीति रिवाज है, कोई राइड पे जाने से पहले एक नारियल फोड़ते, तो करण के हाथ में नारियल और वहाँ पे सब लोग शूटिंग लेते हुए। राइड को अच्छे से जाए और अच्छे से आए इसलिए, और ऐसे ही हमारी राइड बार बार हो इसलिए भी बारह बार हो, एक नारियल फोड़ लेते हैं लेके गणपति बापा का नाम। गणपति बापा आता ना आता बोले क्या बढ़िया फोड़ा है। तो निकल गए अभी वर्कल से, एकदम सुहाना मौसम बन रहा है, तो 8:30 बजने को आए, साला 6 बजे यहाँ से निकलना था और 8:30 बजने, तो यही सारा समय जाता है मोटो लॉगिंग सेटअप या कुछ रहता है तो उसमें। अगर आप मोटो लॉगर है या वीडियो बनाते हैं रील्स बनाते हैं तो आपको समय लगेगा, आप सोचोगे उस टाइम पे कभी निकल नहीं सकते और पहुँच नहीं सकते, तो समय समय की बात है, समय समय पे नहीं पहुंचा जा सकता। आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस बारिश ना आए। अभी अभी 1-2 बूंद गिरे मेरे हाथ पे, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकता है, जाना तो है। 30 किलोमीटर बाद अपना रावजी चाय वाकन फटे पे लेना है, वहाँ का चाय लेके राइड नहीं किया तो क्या किया। वर्कल के आगे का भी रास्ते का थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है, देख के तो अच्छा लग रहा है, ये सर्विस रोड है और उधर हाईवे है। आई होप कि आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो। तो ये लगे हम मुंबई गोवा हाईवे के मेन हाईवे पे। ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे रास्ते का रिव्यू कि ये रास्ता कैसा है, जो मैंने लास्ट राइड की थी इस हाईवे पे जो थी आई थिंक महाबलेश्वर की राइड, तो उस टाइम मैंने इसका रिव्यू दिया था और आज एक और बार दूंगा, क्या सही लग रहा है। और ऐसा रास्ता अगर पूरा का पूरा मुंबई गोवा हाईवे ओल्ड हाईवे बनेगा तो राइड करने में जो मज़ा आएगा ना, क्लास होगा क्लास। यार सही, वेदर भी सही हो गया है, रास्ते भी देखो यार क्या सही लग रहे हैं। बारिश से पहले एक लेन का काम चालू था, अभी सेकंड लेन का भी काम हो रहा है, हो गया है हमारे इधर का, हमारे गांव का अभी चालू है तो देखते हैं। तो दापोली में जाने का या नहीं जाने का वो आगे सोचेंगे, अभी चाय पीने के लिए रुकेंगे वागन वाला पे, तब सोचेंगे, क्योंकि लेट तो हो गया और ऊपर से बारिश का मौसम लग रहा है तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और बाद में बताएंगे हम दापोली करेंगे या नहीं करेंगे। कहाँ तक मैं ये रास्ता देख रहा हूँ, जहाँ पे काम चालू है वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो दिखता है, और जहाँ का काम क्लियर है वहाँ पे रोड देखिए यार क्या क्लियर दिख रहे हैं। और बाइक पे अगर इस रोड से गाड़ी चलाना है ना तो मज़ा आएगा। अभी फोर व्हीलर का नहीं मालूम, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, इसका कंप्लेन करते थे कि गाड़ी बहुत जम करते हैं, मतलब जो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता है ये पूरा प्लेन नहीं किया है, थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा जंपिंग होता है। तो ठीक है, देखते हैं हम क्या, हम बाइक से जाते हैं तो हम बाइक से ही रिव्यू देंगे, जैसा हमको फील होता है बाइक चलाने में। तो सूरज देवता प्रकट हुए हैं बहुत देर के बाद और कितना ऊपर आ गए, हमने सोचा था कि ऐसा मतलब ये पहाड़ के पीछे से देखेंगे वो सनराइज देखेंगे, लेकिन हमें भी लेट हो गया और वो भी लेट आ गए बारिश की वजह से, बाकी सब बढ़िया है। तो कासू तक आ गए और यहाँ पे एक एसटी बंद पड़ी है और रास्ता देखिए यहाँ का काम चालू है, एक साइड का मतलब जो राइट साइड में आप देख रहे हैं उसका कॉन्क्रीट हो चुका है और ये साइड तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का चांस हो सकता है आगे। अभी सुबह सुबह ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं इसलिए ठीक है, लेकिन जो भी आपके सामने है। तो कासू से थोड़ा आगे आ गए और यहाँ पे दोनों रोड का काम पूरा का पूरा हो चुका है, लेकिन बस कंक्रीट किया है, बाकी कुछ लाइन वगैरह कुछ नहीं किया साइड से। और धूल मिट्टी क्या उड़ रही है, वो देखो वो गाड़ी वहाँ से जा रही है, ये दो गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो हम क्या पाताल से जाए। ओहो हो, ओपन रेल, सही है सही है। और लगता है आगे रोड की हालत खराब है, दिख रहा है क्या कर सकता है।
ले और ले। आई होप कि ये ऐसे रोड बार बार ना मिले, एक बार में ही खत्म हो जाए, नहीं तो बस इस रोड को गालियां देते रहता हूँ मैं। कितने वीडियो बने यार इस पे मुंबई को हाईवे पे, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक बनाएंगे, अगर बनेगा उसके बाद भी बनाएंगे। अबे जो भी है वैसा दिखाएंगे, अगर बुरा है तो बुरा दिखाएंगे, अच्छा है तो अच्छा दिखाएंगे, बस कहानी खत्म। क्योंकि जो भी लोग आएंगे इस रोड से तो उनको पता चलेगा ना कि अभी की कंडीशन क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। अपना पहला वीडियो होगा मुंबई गोवा हाईवे का लेटेस्ट अपडेट, जो ये वीडियो चालू है, फिक्स है। इस रोड से अगर मैं राइड करेगा ना तो वो वीडियो फिक्स है। और इधर हमारे आँखों में धूल मिट्टी उड़ रही है, रोड कॉन्क्रीट है लेकिन यार जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, अभी मतलब किया और अभी ख़राब हो गया यार, क्या यार थोड़ा लेट करो लेकिन ठेट करो, क्वालिटी अच्छी लगो। शमाइला मैंने सोचा था अभी डायरेक्टली वाकन पे ही वीडियो ऑन करूँगा, लेकिन यहाँ की तो हालत बद से बदतर हो रही है। अभी ये जो रोड है ये पहले भी किए थे, अच्छे वाले किए थे, लेकिन फिर से ख़राब हो गया, अभी अभी फिर बना रहे, और इसको बनाए हुए 2-3 महीने हुए थे। तो क्या हमको अच्छे रास्ते मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शिट रे, देखो यार क्या हालत हो गई है रास्ते की, कैसे गाड़ियाँ चलाए। सुबह सुबह 9 बजे चाय, राइड के टाइम 9 बजे मतलब सुबह नहीं होती, ये तो दोपहर होने को आती है। तो ये रहा अपना रावजी चाय, और वो जो दिख रहा है आपको ये हावड़ा है, ये भी हावड़ा है, ये भी हावड़ा है। तो यहाँ का व्लॉग बहुत दिन के बाद बन रहा है, तो वड़ा पाव और चाय ले लिया है, और उसके बाद अभी डिसाइड करेंगे ना जो भी टाइम पास होना है यहाँ पे होना है, और उसके बाद अभी जाना है जैसे कहाँ पे जाना है, प्लान देखेंगे ना कुछ। ठीक है खाते हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान है। सो रावजी चाय और वड़ा पाव खा के मतलब नाश्ता करके हो गया, और निकल रहे हम अभी वाकन से। तो प्लान कुछ ऐसा हुआ है, थोड़ा आधा घंटा हो गया इधर, 9 बजे पहुँचे थे, 9:30 बज गए निकलने में, तो आधा घंटा चर्चा में चला गया, थोड़ा स्टेटस वेटस रखा और लाइव अपडेट मतलब जो स्टेटस है वो जानने के लिए आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये रहा हैंडल, तो जाके वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक का जो काशू से जो हम निकले हैं वहाँ से यहाँ तक का रास्ता आपने देख लिया होगा कि बहुत ख़राब है। तो यहाँ से आगे एक लेन तो काम कुछ चालू नहीं है, एक लेन अच्छी कंक्रीट दिख रही है, इसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, अभी क्या है बद से बदतर होने से अच्छा है इसको अच्छा बोल रहे, दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो अच्छा रास्ते पे तो है, वैसे अच्छा ही है लेकिन कुछ लाइनअप नहीं है, एक ही रोड से दोनों गाड़ियाँ आ रही है। ठीक है तो ये पूरी 3 दिन की राइड होने वाली है, आज कल और परसों मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, कल निकलने का प्लान था लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बारिश गिर गई और उसके वजह से हमको कैंसिल करना पड़ा। तो आज सुबह सुबह निकले हैं और पूरी की पूरी कोकन राइड है, कोकन बोलेगा तो माता तो आना ही है ना। सो ये राइड पे हम जाएंगे कोकन राइड, और कोकन राइड रहेगी अभी यहाँ से हमारे घर से मुंबई टू, अभी हम जाएंगे गुहागर, गुहागर से मतलब वेलनेश्वर, वहाँ पे बीच और एक टेंपल है, और वहाँ से फिर जो भी स्पॉट है आपको दिखाते जाएंगे। तो स्टे हमारा रहेगा गणपतिपुले तक, तो देखते हैं आगे कैसा जर्नी रहेगा क्या रहेगा आपको दिखाते हैं, तो देखते रहिए लास्ट तक और मज़ा लीजिए इस वीडियो का, बाकी सब बढ़िया रोड अच्छे मतलब राइड अच्छी, मज़ा तो आना ही आना है। क्या है कि डेस्टिनेशन आके चला जाता है लेकिन सफ़र जो रोड का सफ़र रहता है ना उसमें मज़ा नहीं आएगा ना, तो आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। तो राइड में मतलब सफ़र में मज़ा आना चाहिए, मंदिर तो क्या मिलती रहेगी आएगी जाएगी। तो वैसे भी ये राइड हम 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इस राइड का जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है रिलैक्सेशन, तो एक दिन बढ़ाया और रिलैक्स करने के लिए भी एक दिन चाहिए, सो इसीलिए 3 दिन का कर दिया। और अभी हम आ गए सुकेशी खिंडा, जिसका नाम मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें भूल गया था, तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था कि इसका इस खिंड का नाम क्या है,
तो सुकेशी खिंडा ऐसा कुछ नाम है, मैंने याद कर लिया और अभी मैं बता रहा हूँ। तो सो फार सो गुड। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन रहेगा वेलनेश्वर, वहाँ पे बीच और एक मंदिर है। तो वहाँ जाने के लिए हम जो चिपलून से पहले गोवागर फाटा आता है वहाँ से गाड़ी अंदर ले लेंगे और उसके बाद फिर गोवागर से फिर आगे वेलनेश्वर बीच और टेम्पल देखेंगे, उसके बाद आगे का रास्ता जयगढ़ तवसाल, तवसाल जयगढ़ फेरी बोट लेके गणपतिपुरे तक जाएंगे। तो ऐसा कुछ आज का प्लान है, देखते हैं। कोकण रेल ये दिखाने के लिए मेरे को मुंडी ऊपर का नहीं मिली मुंडी। तो कोलार तक आ गए, रास्ता थोड़ा अच्छा है थोड़ा खराब है ऐसा कुछ चल रहा है अभी, देखते हैं आगे क्या सीन है। मुझे तो लगता है कि आगे का सीन थोड़ा अच्छा रहेगा भाई। सेफ्टी हेलमेट नहीं है यार, बाइक राइड करो लेकिन थोड़ा सेफ्टी यार प्रिपेयर करो यार। अभी पता नहीं यार लोग मतलब इसको बड़ी बात मान लेते हैं, अब मालिक अब इतना टाइम हो गया तो एक ब्रेक और ले लेते। कमी आली पण तू तो काम बरोबर करतोस ना, इंडिकेट करतोस ना मस्त बरोबर। हां तिर तिर तो मग माग तो अर्जुन आले तो तो आम्ही हा थांबलो ना, तो मी बरोबर थांबलो तो हे आलोच नाही पुरा आलो तू ब्रेक केली होती पण तू लगेच लक्षात होतो की काय तरी सही हो ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे क्या कर रहा तू भगा 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 भगा। तो मालिक अभी हवा भरने को रुके तो तो मानगांव तक पहुंच चुके और मानगांव में हमेशा की तरह ट्रैफिक। मुंबई गोवा हाईवे का पहला टोल और ये टोल भी आई थिंक बंद है। हमें तो कुछ टेंशन नहीं है लेकिन इस रूट का एक पहला टोल जो हमने अभी क्रॉस किया है जो है महाड़ और गोरखपुर के बीच में, शायद आगे ओपन करेंगे पता नहीं है पूरा रोड होने के बाद। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है ना एकदम मतलब पासू है क्लास है, और यहाँ का सिस्टम एक बढ़िया किया है कि रास्ता नीचे से लेके गए और ऊपर से जो उनका सिटी है या गांव है वो कनेक्ट किया है, तो ये एक अच्छा है। और अभी स्टार्ट हो गया है अपना कशेरी घाट, कशेरी टनल कहाँ से आने वाला है वो भी आज मैं पहली बार देखने वाला हूँ। आई होप कि चालू हो, पक्का तो नहीं होने वाला लेकिन क्या कर सकता है, इच्छा तो है। लेकिन रास्ते देख के जो मज़ा आता है ना वो मज़े मज़े। तो कशेरी घाट पे जो रास्ता लगा था क्लास रास्ता था, जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे मानगांव और महाड़ से वैसे ही सेम रास्ता था। यहाँ पे भी बनेगा लेकिन अभी थोड़ा पीछे वैसे ही रास्ता था और यहाँ पे काम चालू है। अभी टनल कहाँ है पता नहीं यार, इधर से होगा शायद से लेकिन पता नहीं है, प्रॉपर तो पता नहीं है अभी देखेंगे। एक छोर जो है टनल का वो पता है लेकिन दूसरा वाला यहाँ से किधर है वो पता नहीं। काम पूरा हो गया था, वो रास्ता चालू भी किया था लेकिन वापस से बंद कर दिया, कुछ रहेगा काम तो वापस से। तो ये है मेन पॉइंट कशेरी घाट का, यहाँ पे ज़्यादातर लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, तो हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे बस यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ से इसका नज़ारा कैसा है। तो ऊपर एक टेंपल है और कौन सा टेंपल है अभी तक हम गए नहीं, वो रहा आपके सामने। मतलब ये जो रोड है ये देखिए ये ऐसे जाके वापस ऐसे जाके वहाँ से उधर जाएगा, लेकिन जो ये नया रोड है ये देखिए यहाँ से कुछ टनल है, यहाँ अंदर से कुछ टनल है वो देखिए,
ऐसे ऐसे अंदर से आई थिंक निकाला होगा, अभी पता नहीं है। तो ये है कसेडी फोगदा जो अभी नया होने वाला है। फिर हम ये रोड को वहाँ से अभी उधर, वो जो दिख रहा है ना आपको दूर तक, उधर तक हम ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। तो अब बारी है कसेडी घाट उतरने की। टनल का जो एक सिर है वो पता है हमको, दूसरा वाला किधर है पता नहीं, वो कहाँ से निकाला है। तो देखते हैं आते वक्त उधर से ही घुसेंगे, जाते वक्त तो मिला नहीं, बाकी सब बढ़िया है। अभी गाड़ी बंद करके लेके जा रहे हैं पेट्रोल बचत, क्योंकि टू व्हीलर का ब्रेकिंग ब्रेकिंग सब वैसे के वैसे लगता है, तो कोई टेंशन नहीं है। हम ज़्यादातर ऐसे ही करते जब स्लोप रहते हैं और टाइम पास के लिए अगर टाइम हो तो, नहीं तो फिर चले जाते हैं, मज़ा आता है। ये रहा, ये रास्ता है अभी बंद है, ये रास्ता जाता है कसेडी टनल के लिए। हेलो 123 123 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। तो गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी, बैटरी चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज करके ले ली। तो ये रहा कसेडी टनल के लिए एक रास्ता सीधा, और यहाँ से हम जा रहे हैं पंजी 350 किलोमीटर है, रत्नागिरी 196 और खेड़ 19। तो ठीक है, सो फार सो गुड। और ये रास्ता तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा अच्छा है, चिपलून तक, चिपलून से थोड़ा सा पहले, उसके बाद चिपलून का हाल पता नहीं है, लेकिन उनको चिपलून जाना नहीं है। जो परशुराम घाट है वहाँ से थोड़ा वो स्लोप एरिया है, तो वहाँ से थोड़ा राइट में लेके हमको गुआगढ़ रास्ता जाना है, चिपलून तक नहीं जाना है। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या कैसा है। तो अगर हमको कसेडी घाट का जो टनल है उसका जो एंट्रेंस है वो अगर मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन जाते वक्त ज़रूर जाएंगे, कुछ भी करके लेकिन जाएंगे, ऐसा मेरा प्रण है। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, 60-40 लगाना पड़ेगा। सो खेर तक पहुंच चुके और कालका आई मंदिर, हाँ ये यहाँ पर, वाव सही है, श्री कालकाई मंदिर। तो अभी थोड़े से बड़े बड़े राइड है, बड़े मतलब प्लेस भी थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी तो ऐसा वक्त आएगा जब हम पूरे के पूरे मतलब छोटे छोटे जो भी कोकण के जो कल्चर है वो आपको एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे कैसा है क्या है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को, तब मज़ा आएगा ना। फिर बच्चे हाथ करे तो मैंने हाथ छोड़ा हो, डायरेक्टली ऐसा टर्न आया, लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि क्या बताऊँ कैसा मोड़ लिया। अरे जागा दे सालिया, मैं मना जागा दे मागो चाहे आईला जागा नहीं थे माजे सावलीन जरा सी जागा भेटू दे। चलो गन्ने का जूस पीना है, साले भूखे ले लो। चेस पॉट का गन्ने का जूस। तो गन्ने का ऊस रस और जूस, इसमें से कुछ भी बोल लो, ठीक है हो गया। और हम अभी लग रहे हैं भोस्ते घाट। तो भोस्ते घाट एंड हो गए और आगे शायद से टोल आने वाला है, तो देखते हैं वो भी टोल चालू है कि नहीं। टोल नंबर 2 तो ये भी एक टोल था, टोल नंबर 2 जो हमको अभी तक अपनी राइड पे मिला है, टोल नंबर 2। तो ये भी बंद है, क्यों बंद कर दिए पता नहीं, लेकिन है बंद है। सही है। तो ये है रास्ता जो परशुराम मंदिर की ओर जाता है, द फेमस टेम्पल ऑफ
चिपलून परशुराम मंदिर यहाँ से रास्ता है, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं है। इधर एक रिवर है, क्या सही नज़ारा है, सही है सही है। तो यही वो घाट है परशुराम घाट, तो नीचे उतरते हमें राइट लेना है। यहाँ से है पंजिम 347, हमें रत्नागिरी 143 और लांजा 153, बाकी सब बढ़िया। चिपलून से थोड़ा सा आगे रुक गए, मतलब चिपलून से थोड़ा पहले, तो यहाँ से अभी राइट लेके जाना है। वेलनेश्वर के रास्ते एक अंकल थे, उनको पूछा तो बोल रहे कि रास्ता अच्छा है, और यहाँ की स्कूल वाली पब्लिक क्रेज है भाई, यूट्यूब का क्रेज़ है।